मैं इस वक्त गाजीपुर में हूँ किसान आंदोलन पे। अभी अभी एक किसान को तबीयत बिगड़ गई है, बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ गया है, एम्बुलेंस तुरंत बुला ली गई है और इनको एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि इनको जल्दी से जल्दी बचाव कार्य हो सके, अस्पताल की मदद मिल सके। तुरंत फौरन इनको जल्दी ले जाइए, इनको मैं जल्दी अस्पताल की तरफ ले जाइए। देखिए गोदी में इनको उठा कर ले जाने की कोशिश की जा रही है और अभी अभी इनकी हालत बिगड़ी। ऐसे कई किसानों की हालत पहले बिगड़ चुकी है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें हैं ये जब हमें देखने को मिलती हैं। तमाम सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे भी किसानों की तबीयत खराब हुई है। गाजीपुर बॉर्डर पे एक तस्वीर हमें यहाँ दिखाई दे रही है, अभी अभी तबीयत खराब हुई, बताया जाता है कि दिल का दौरा पड़ा है। हाँ जी बोलिए। ये किसानों की ये जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने को कहा पहले तो इसकी बात करो, इसको अस्पताल पहुंचाने की, इसको अस्पताल बुलाने के लिए एम्बुलेंस आ गई है, एम्बुलेंस से उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। ये सरकार कब तक तो कितनी किसानों की हत्या, एम्बुलेंस से तुरंत इनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। इनकी तबीयत खराब हुई है, देखिए इनको लेके जाया जा रहा है अस्पताल। और ये तस्वीरें हैं जो निकल के आती हैं और बहुत ही दुखदायी तस्वीरें ऐसी हैं कि आंदोलन में तमाम किसानों की इस तरह से तबीयत खराब हो रही है, कई लोगों की जान भी गई है। तो हालात गाजीपुर बॉर्डर से तस्वीर हमें दिखाई दी जो बहुत ही अफसोसजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कैमरामैन अमित राय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, गाजीपुर बॉर्डर।